दोस्तों, तो आज है डे थ्री और आज का जो हमारा प्लान है वो BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसको घूमने का। उसमें संकट मोचन मंदिर, नया विश्वनाथ टेम्पल और तुलसी मानस मंदिर और रामनगर फोर्ट और अस्सी घाट दोबारा घूमने का प्रोग्राम है। तो अभी हम हैं काशी विश्वनाथ विश्वविद्यालय के सामने, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी एंट्री। यहाँ तक आप शेयरिंग में या बुक करके भी आ सकते हैं और यहाँ से भी काफ़ी अंदर टेम्पल। गेट से एंट्री करके अभी हम आ गए हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि पहला टूरिस्ट स्पॉट है काशी विश्वविद्यालय में। और यहाँ तक आप शेयरिंग में भी आ सकते हैं, जैसे तो बुकिंग वगैरह होती है, तीन चार जो मंदिर हैं वो सारे घुमा देते हैं। बट अगर आप बजट में करना चाहते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आप ऑटो चेंज करके, जैसे गेट तक ऑटो हम आए थे स्टेशन से, स्टेशन के पास से यहाँ तक के लिए 25 रुपये, और 25 रुपये गेट से अंदर जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है नया वाला वहाँ तक के लिए 10 रुपये। तो आप शेयरिंग में भी, शेयरिंग वाले ऑटो में भी आ सकते हैं, इजीली मिल जाते हैं। तो देखते हैं मंदिर कैसा बनाया हुआ है। अभी ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं ये न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। जो मंदिर की टाइमिंग है वो 4 बजे मंदिर सुबह खुलता है और 12 बजे दिन में बंद हो जाता है। तो जब भी आप प्लान कर लें थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखें, क्योंकि 12 बजे बंद होएगा, उसके बाद 1 बजे खुलता है जो कि रात को 9 बजे बंद होता है, तो 12 से 1 के बीच में ना आए। और इसके अलावा और भी यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे संकट मोचन, तुलसी मानस, दुर्गा माता का मंदिर है। तो अभी हम धीरे धीरे करके एक एक करके सारे कवर करेंगे। फ़िलहाल अभी हम यहाँ जा रहे हैं, आपको ये मंदिर की एंट्री है। और इस मंदिर में आप फर्स्ट फ्लोर पर भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी शिव जी की मूर्ति है और ग्राउंड फ्लोर पे शिव जी का शिवलिंग, तो आप दर्शन कर सकते हैं। ये न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल है, BHU के काशी विश्वनाथ टेम्पल में। अभी मैं हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, इसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे भी मंदिर बनाया हुआ, तो आप फर्स्ट फ्लोर पे भी आ सकते हैं। मंदिर बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बनाया हुआ है, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर पे महादेव कितनी खूबसूरत है। अभी BHU में दर्शन करने के बाद अब हम बाहर, ये मार्केट है छोटी सी, सुबह के निकले हुए हैं, अभी तक कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया, 12 बज गए हैं, तो अभी कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अच्छा मिलता है। बहुत सारी दुकानें हैं और यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी की बड़ी लगी हुई आइसक्रीम, उसको भी ट्राई करेंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नए विश्वनाथ टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए अपने अगली डेस्टिनेशन दुर्गा कुंड मंदिर, जो कि काफ़ी फेमस है बनारस में और ये पुरातन मंदिरों में से एक है। यह हम पे बहुत सारी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ होते हैं। अभी दुर्गा कुंड में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं रामनगर फोर्ट, जो कि दुर्गा कुंड से 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और गंगा उस पार है। देखते हैं कितना टाइम लगता है और कितना घूमने में लगता है। ये है लंका, श्रीलंका वाली लंका नहीं, ये है बनारस की लंका। विश्वविद्यालय का जो मेन गेट है, यहाँ पहुँचने के लिए आपको लंका तक ही आना पड़ेगा। और रामगढ़ के लिए भी यहीं से आपको ऑटो, रामनगर फोर्ट, रामनगर किला, जो है बनारस शहर का ही नहीं पूरे इंडिया का एक ऐतिहासिक और काफ़ी पुराना किला है। इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में उस समय के राजा बलवंत सिंह ने बनवाया था। और ये किला जो है, इसकी खूबसूरती ये है कि ये बिल्कुल गंगा घाट के किनारे बना हुआ है। और इस किले को आपको विज़िट करने के लिए जो सिटी सेंटर है वहाँ से आपको गंगा उस पार जाना पड़ेगा। मोस्टली जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो गंगा इस पार ही हैं, सिर्फ एक ये इकलौता टूरिस्ट प्लेस है और फोर्ट है, जो कि गंगा आपको क्रॉस करके उस साइड जाना पड़ेगा। और जब आप गंगा क्रॉस करके जाएंगे तो जो आपको व्यू दिखेगा गंगा का,
पुल के ऊपर, ब्रिज के ऊपर से वो काफ़ी यूनिक और बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है, और आपको ब्रिज के ऊपर से ही जो फोर्ट है वो दिखना शुरू हो जाता है। एंड में देख रहे हैं जो ये घाट के किनारे बना हुआ दिख रहा है, ये पूरा वो रामनगर फोर्ट किला ही है, जो कि आपको ब्रिज के ऊपर से ही दिखाई देता है और बिल्कुल घाट के साथ गंगा रिवर बेड इसके किले के साथ में टच है। BHU से दुर्गा कुंड के दर्शन, दुर्गा माता के दर्शन करने के बाद अभी हम आ गए हैं रामनगर फोर्ट, और यहाँ आने के लिए हमने ऑटो बुक किया है। ऑटो जो हमें पड़ा दुर्गा कुंड से 120 रुपये रिजर्व में। अगर आप यहाँ आते हैं तो डायरेक्ट भी शेयरिंग में आ सकते हैं। करीब 2.5 किलोमीटर है लंका से गंगा उस पार, तो चल के अंदर देखते हैं कितनी हेरिटेज और कितनी पुरानी बिल्डिंग है। ये रामनगर फोर्ट की फ्रंट एंट्री, जो कि बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है रामनगर फोर्ट में एंटर करने के लिए, वहाँ से हम अंदर जाएंगे और अंदर जाते ही व्यू काफ़ी प्यारा दिखता है किले का। और ये फोर्ट है, फोर्ट तो है काफ़ी बड़ा और देखने में बहुत पुराना लग रहा है। ये इसका एंट्री गेट जो बहुत बड़ा है, और ये टिकट अंदर आते ही आपको सबसे पहले दिखेगी टिकट काउंटर, ब्यूटी म्यूजियम म्यूजियम जिसके चार्जेस हैं 75 रुपीस और बच्चों के 20 रुपये। तो ये हमने करा ली है टिकट 75 रुपये की, और अब हम जाने लगे हैं यहाँ से म्यूजियम में। रामनगर फोर्ट घूमने के बाद एक ये रास्ता जा रहा है वे टू घाट, तो अभी हम घाट की ओर जा रहे हैं। और यहाँ बच्चे बहुत सारे आए, स्कूल का ट्रिप आया हुआ है, और ये पूरा फोर्ट अंदर आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए मैं दिख रहा है, पर अंदर अंधेरा था, एक गली सी जा रही है आप ही देख सकते हैं, और बिल्कुल डार्क अंधेरा पीछे ये रास्ता निकल रहा है। कश्यम मुक्ति सीढ़ियों से होते हुए नीचे निकलने के बाद जो आपको व्यू दिखेगा ना गंगा का, वो बिल्कुल डिफरेंट है। मुर्क ये फोर्ट जो है वो गंगा किनारे ही बसा हुआ है। फोर्ट में जो सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी चीज़ है वो ये घाट है। जब आप फोर्ट सारा घूमने के बाद जब पीछे आएंगे रामनगर फोर्ट में, और ये गंगा का व्यू बिल्कुल किले के साथ टच करता हुआ और देखेंगे ना, तो बहुत ही सुंदर व्यू है। बोटिंग वगैरह करते हुए लोग आपको दिखेंगे, हालांकि कम होती है यहाँ पे इस साइड में, पर व्यू जो है इसका बहुत ही शानदार व्यू यहाँ से आता है आपको। गंगा का व्यू तो पूरा क्लियर वाटर, और फोर्ट का भी बैक साइड से जो व्यू आता है वो काफ़ी यूनिक है। बाकी फोर्ट में म्यूज़ियम है, आप वो देख सकते हैं, बिल्डिंग है, हेरिटेज म्यूज़ियम में भी काफ़ी सामान वगैरह रखा है, वो चीज़ घूमने के लिए बहुत सही जगह है। बनारस के लोगों के लिए तो जन्नत है, स्कूल के बच्चों के लिए घूमने को मिल रहा है रामनगर फोर्ट। ये रामनगर फोर्ट की सेना है, सैनिक। We'll be right back.
जो रह गया था। अभी हम अस्सी घाट बोटिंग करने के बाद संकट मोचन टेम्पल के लिए आए हैं दर्शन करने के लिए, और अस्सी घाट से 10-10 रुपये में ऑटो मिल जाता है शेयरिंग में, पास में ही है 1 किलोमीटर के अंदर। तो अगर आना हो तो आप आ सकते हैं, 50 मीटर अंदर आके ये इसकी एंट्री है। तो अभी जाने लगे हैं।